वजीरपुरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक हो गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जो कि प्रस्तावित नगर निगम ने जो स्थान चिन्हित किया था होली वाले चौराहे से लेकर पालीवा पार्क तक, उस जगह पर तो अतिक्रमण अभियान चलाया नहीं गया। दूसरी जगह पर आके अतिक्रमण अभियान चलाया गया और यहाँ जो उनका एक निशाना, जिस प्रकार से कहते हैं ना व्यक्ति विशेष पे, उन्होंने दो ही दुकानों को यहाँ पे तोड़ा। अन्यथा पूरे वजीरपुरे में खाली बुलडोजर लेके गए हैं, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा, किसी के घर को नहीं तोड़ा और धमकी दे गए हैं दो दिन के अंदर तोड़ दो, इस तरीके से कह के गए हैं। और आज इतवार है, इतवार को मैं समझ में नहीं आता इन्हें, जब उन लोगों को इस तरीके से जब कह रहे थे तो इन लोगों को क्यों नहीं कहा गया। इन लोगों को भी कहने का प्रशासन का वो था, मगर नगर निगम ने ये बहुत गलत किया। इसके लिए हम लोग सब लोग कहते हैं नगर निगम के खिलाफ धरने पर भी बैठने को तैयार हैं, क्योंकि इतवार के दिन कोई ऐसा आदेश नहीं होता है कि जो कार्रवाई की जाए। और जो प्रस्तावित नक्शे के तहत थी पालापरा गेट से घुस के होलीबाई चौराहे तक था, उसके आगे अतिक्रमण होना नहीं चाहता, फिर भी इन्होंने मॉल की तरफ से घुसते हुए यहाँ पे दो दुकानों को तोड़ा जो नियम विरुद्ध है और काफ़ी जगह छोड़ते हुए चले गए। और उन्हें एक वर्ग विशेष के द्वारा कार्रवाई हुई और इंसाफ बराबर हो, एक तरफा हो नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, द्वारा आनी चाहिए मामले। हाँ, भेदभाव हुआ है, हैं जातिवाद दिख रहा हो तो यहाँ पे हिंदू वर्ग की दुकानें सब तोड़ दी गई हैं, मुस्लिम पक्ष छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार अपनी चीज़ पे नहीं रही है, वो विफल रही है। जब जनता इस चीज़ को स्वीकार कर रही है, तोड़वाने के लिए जनता तैयार है, यहाँ की पब्लिक तैयार है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? ना नगर निगम प्रशासन तैयार कर रहा है। उन्होंने जहाँ से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी उधर की दुकान तोड़ी गई हैं, जहाँ की अनुमति मिली है, जो अखबार में डेली निकला गया है कि यहाँ से अतिक्रमण होगा, वो अतिक्रमण अभी तक नहीं तोड़ा गया है। तो इससे जनता में आक्रोश तो होगा कहीं ना कहीं कि जिधर का बोला गया है वहाँ का तोड़ा नहीं है।